आइए, इससे पहले हमने अध्ययन किया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और अभिकारक और उत्पाद के बारे में जाना। अब इसके आगे हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की, और उसमें पहला प्रकार है कौन सा, बताओ, तेज बताओ। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आरएक्स से लिखेंगे, सभी बच्चे जान जाएंगे ना भाई। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में भी कंबाइन करने का मतलब क्या होता है? ऐड करना, जोड़ना, एकत्रित करना। और इसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। किस क्या नाम दे सकते हैं? योगात्मक अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं। तो अगर संयोजन अभिक्रिया पूछी जाए, कंबिनेशन रिएक्शन पूछी जाए या योगात्मक अभिक्रिया पूछी जाए, तो सबका मतलब एक ही होता है, ठीक। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब पदार्थ चाहे दो मिले, तीन मिले, चार मिले, लेकिन कोई एक चीज बने। जैसे हमने चाय की ही बात की थी, तो उसमें कई पदार्थ मिलते हैं। चाय की पत्ती पड़ती है, दूध पड़ता है, चीनी पड़ती है, पानी पड़ती है, कई पदार्थ मिलते हैं, और तब जाके एक चीज तैयार होती है, क्या चाय। तो ऐसे एक एग्जांपल ढेर सारे होंगे। जैसे सब्जी बनती है तो उसमें क्या क्या पड़ता है? जैसे आलू है, मसाला है, और जो भी सब्जी हो उसमें फूल है, तो तमाम चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं, और तब जाके एक सब्जी बनती, नहीं बनती। ऐसे ही मान लेते हैं, और भी चीज़ें पूड़ी नहीं कह सकते, पूड़ी में तो केवल आटा ही होता है। और मतलब इस तरह के एग्जांपल होंगे, उसमें क्या होता है, कई चीज़ें मिलती हैं तब जाके एक चीज़ बनती है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करते हैं, आपस में मेल करते हैं, तो केवल एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब मिले चाहे जितने जने, बने कितना जना, एक। मिले चाहे इतने लोग और बने कितना, एक। जैसे कि कोई संगठन बनता है तो उसका नाम तो एक ही होता है। जैसे कि ये भीम आर्मी वाले हैं, है? ये बजरंग दल वाले हैं, है? इस तरह आरएसएस वाले, ये सब मतलब अलग अलग गांव में मुखिया जैसे प्रधान। तो इस तरीके से संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? कई चीज़ों का मिलना और एक चीज का बनना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके यानी कि मिल करके, है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे दो पदार्थ हो, टू सब्सटेंस आर मोर सब्सटेंस, यानी दो पदार्थ हो या दो से अधिक हो, आपस में संयोग करके केवल एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया अथवा योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती। एग्जांपल देखो, अभी बताया था C+O2 क्या बनेगा? CO2+ उष्मा का, ये क्या है? कोयला। कोयले में क्या होता है? कार्बन, है ना। कोयले में क्या होता है? वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, उड़ जाएगी, उष्मा भी बनेगी। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलना और किसी एक चीज का बनना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो बनी, उष्मा वगैरह दिखेगी थोड़ा ना। उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में केवल एक चीज बननी चाहिए, अभिकारक के दो, देखो एक कार्बन एक ऑक्सीजन। और भी एग्जांपल जैसे ले सकते हो, अभी हमने लिया था Mg+O2, Mg+O2 क्या बनेगा? MgO क्या बनेगा? MgO 2Mg, मतलब हमने 2 लगाया इसलिए क्योंकि हमने उसको क्या किया है, संतुलित कर लिया है। मैग्नीशियम के दो, ऑक्सीजन के दो, मैग्नीशियम के यहाँ पे दो और ऑक्सीजन के भी दो। तो इस प्रकार से हमने लिखा है। हाँ बोलो सर, वहाँ ओके देखो, यहाँ पे सामने दो लिखे, यानी वो दोनों कवर्ड हो रहे हैं।
समझ रहे हो, वो हम संतुलित असंतुलित करना पढ़ाएंगे आगे जब सारी रिएक्शन हो जाएंगी। तो ये हो गई संयोजन क्रिया, अब हम चर्चा करेंगे इसके बाद में वियोजन क्रिया की। जब तक इसको जो है नोट कर लीजिए डियर चिल्ड्रेन। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जो हिंदी जिनको अच्छे से आती वो इसी में अर्थ निकाल लेंगे कि वियोजन का मतलब सर होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूट जाना, ब्रेक हो जाना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया, आप देखो वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? डीकम्पोजिशन। तेजी से बोलो, सब लोग लिखा है सबके पास, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन का मतलब क्या? टूट जाना। कौन सा पदार्थ? एकल की दो, एकल पदार्थ टूटेगा। अभी इससे पहले पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या था? दो या दो से अधिक पदार्थ एकल पदार्थ निर्माण करते थे। और वियोजन क्या है? बस विलोम है, बिल्कुल उसका उल्टा है, है नहीं? बिल्कुल उल्टा। जैसे कि इसमें क्या होगा, कोई एकल पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एकल पदार्थ, जब कोई एकल पदार्थ दो या दो से, दो या दो से अधिक पदार्थों में, अधिक पदार्थों में टूट जाता है, टूट जाता है और नए पदार्थों का निर्माण करता है। इतना ही लिख सकते हैं, जब कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है। टूट जाता की शब्द पे अच्छा नहीं लगता है, टूटना लकड़ी भी टूट जाती है, तो यहाँ पे वियोजित हो जाता है। क्या लिखेंगे? वियोजित हो जाता है, अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। रिपीट करो जल्दी से। जब कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, जब कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बता दो, असल बताओ। अच्छा, वियोजित हो जाता है, जी बिल्कुल वियोजित हो जाता है, बिल्कुल ध्यान रखा करो कहीं मिस्टेक होती। तो जब कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ आ तोड़ते हैं किसी चीज को, देखो एग्जांपल लेते हैं CaCO3। देखो ये CA एक में A है, ये कैल्शियम होता है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, थ्री है, यानी ये कार्बोनेट कहा जाता है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये इसका रासायनिक नाम है, हिंदी नाम इसका चूना पत्थर है। क्या नाम है? चूना पत्थर। यही खड़िया का सूत्र है, यही संगमरमर का सूत्र है, संगमरमर, संगमरमर, यही तुम्हारा चाक का सूत्र है। क्या है? चाक हो, चूना पत्थर हो, खड़िया हो, संगमरमर हो, सबका सूत्र CaCO3 और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत से बच्चों का मुंह नहीं खुलता है, वो नालायक प्रवृत्ति के लड़के गरीब हैं कहते हैं। सब जने बोला करो, बोलने से सब आता, गूगल भी ऐसा कहता, बोलोगे ना तभी तो सीख पाओगे, बोलोगे ही नहीं तो कैसे सीख पाओगे? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, CaCO। इसे जब गर्म किया जाता है या मशीनों के द्वारा तोड़ा जाता है, पहाड़ों पर होता है, तो ये बनता है CaO और प्लस CO2। क्या बनता है? CA, इसमें से एक O ले लो, CaO हो गया, CO2 बचा के नहीं भैया। ये है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है? कुछ बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, जैसे डेली दही खाते हो तो उनको दूध भी दे तो दही जैसे नहीं, पहले कुत्ता नहीं होता तो उसको क्या करते हैं,
कवर डालने के लिए जाते तो कहते हैं हाँ, पहले घंटी बजाई जाती थी, उसके बाद वो जब भी घंटी की धुन सुनता था तो लार टपकाता था, लार टपकाने लगता था, पहले से आदत बन गई। और जब तुम नहीं ले जाओगे तो लार टपकाना बंद। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये है तुम्हारा बिना बुझा हुआ चूना। क्या नाम है? बिना बुझा हुआ चूना। यही मार्केट में मिलता है, बाजार में, यही बाजार में दुकानों पे मिलता है, शॉप पे मिलता है। कौन? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। और यही खरीद करके हम लोग लाते हैं, जब पुताई करनी होती फिर इसको बाल्टी में पानी मिलाते हैं, तब वो बुझा हुआ चूना बनता है। CaO इसका होल टॉइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसकी पुताई करते हैं तब चमक नहीं आती, चमक जब वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड से जो त्याग रहा है उसे फिर से ग्रहण करेगा, तब फिर चूना पत्थर टाइप की एक पतली सी उस पर परत बनेगी, तब चमक प्रदान होगी। जैसे लक्ष्मण वाला सुना नहीं, उन्होंने सबरी के जूठा बेर फेंक दिया था, उनको वही चीज़ क्या बन गई थी बाद में? संजीवनी बूटी, सिमुख पर्वत मिली थी, कहीं मिली थी तो है। तो भैया वही चीज़ यहाँ भी CO2 त्याग रहा भी है, और बाद में इसी CO2 को जब ग्रहण करेगा तब चमक प्रदान होगी। समझ रहे हो? आज जो तुम पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हो, नकार रहे हो, उसी चीज को जब पुनः जब पढ़ोगे तभी तुम्हारे अंदर ज्ञान का भंडार आएगा, तभी परीक्षाएं क्रैक कर पाओगे, तभी पढ़ पाओगे आगे, अच्छे से मेहनत कर पाओगे। तो ये थी तुम्हारी वियोजन क्रिया, और ये उसका एक एग्जाम्पल। ठीक, ढेरों सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन आप एक ही अभी याद करिए। वियोजन क्रिया के तुरंत बाद हम पढ़ेंगे किस पे? वियोजन क्रिया के बाद में कौन सी? विस्थापन क्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। चलिए नोट करिए।